हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने वाला हूँ चाइनीज स्टाइल का चिकन चपसी, एकदम गर्मा गर्म है। जिसको चाइनीज खाना पसंद है तो ये चाइनीज चपसी अवश्य पसंद आएगा। तो इसके बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिया ग्रीन कैप्सिकम, मीडियम साइज का एक पीस। इसको ये साइज़ में काटना है, स्मॉल डाइस करना इसको। और ये रेड कैप्सिकम एक पीस लिया। और ये येलो कैप्सिकम भी एक पीस लिया। ये सब सेम साइज में काटना है, एक ही साइज में डाइस स्टाइल में काटना है। और ये वाइट ओनियन, आपका पास वाइट ओनियन नहीं है तो रेड ओनियन भी यूज़ कर सकता है। और ये रेड टमाटो एक पीस लिया मीडियम साइज़ का। और ये ग्रीन बीन्स है, ग्रीन बीन्स ये साइज़ में काटना है ऐसा करके, तो अच्छा लगता है चाइनीज स्टाइल में और पकना भी जल्दी पकता है। ये है जुकिनी और बेबी पम्पकिन, इसको ऐसा डिज़ाइन में काट रहा हूँ मैं, आपका हिसाब से काट सकता है, कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है ऐसे आप काट सकता है, नहीं तो ऐसे स्लाइस भी कर सकता है। ये डिज़ाइन में काटा इसको, देखिए। और ये कैबेज लिया, कैबेज को भी सेम साइज़ में ऐसा काटा स्मॉल डाइस में, पूरा सब्जी एक ही साइज़ में काटना है इसको। और ये कैरेट लिया एक पीस, और ये कैरेट को भी ऐसा स्लाइस करके थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, खाली ये डिज़ाइन के लिए ऐसा काटना है बस, नहीं तो सीधा सीधा स्लाइस भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसा करेगा तो ये कैरेट से एक डिज़ाइन आने वाला है, देखिए ये वाला डिज़ाइन आया। अब दूसरा डिज़ाइन के लिए फिर दोनों साइड में ऐसे काट के दूसरा डिज़ाइन बना रहा हूँ। ऐसा करके इस साइड साइड से काट के इसको डिज़ाइन निकालना है। और इसको ऐसा पूरा काट के ऊपर से ऐसा काट के ये वाला डिज़ाइन आएगा। तो ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा के लिए बस। ये सब सब्जी काट के, वेजिटेबल्स काट के रेडी किया। आपके पास सीजनल वेजिटेबल क्या है वही डाल के भी बना सकता है, मेरा पास ये है तो मैं ये डाला। आप बेबी कॉर्न, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली ये सब डाल के भी बना सकता है, आपका बजट में डिपेंड करता है कैसा बनाना है सब्जी। जो सीजनल सब्जी वही डाल के बना सकता है। इसमें चिकन लिया, कम से कम 100 ग्राम बोनलेस चिकन है स्लाइस काट के, ये जिंजर गार्लिक चॉप करके रखा। ये है नूडल्स, बॉयल करके रखा ऑलरेडी, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छा से मिक्स करना है बस ऐसा। ये अच्छा से मिक्स होने के बाद इधर तेल गरम है, थोड़ा सा डाल के ट्राई करेंगे तो ये डिज़ाइन में फ्राई होना है पूरा नूडल्स। तो एक आज एक पर्सन के लिए, एक प्लेट के लिए बना रहा है तो इतना डाला नूडल्स, ये कम से कम 2 से 3 आदमी भी खा सकता है। और इसको जब तक फ्राई करना है कि इससे थोड़ा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आएगा, गोल्डन ब्राउन जैसा नहीं, गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब इसको निकालना है। देखिए कम से कम 4-5 मिनट फ्राई होने के बाद ये कलर आता है। अब इसको ऐसा एक प्लेट में निकालेंगे तो देखिए ये कलर होना है, गोल्डन ब्राउन कलर, एकदम सुनौला। इसके ऊपर वेजिटेबल डालने के लिए रेडी करेंगे, थोड़ा सा तेल डाला इसमें, उसके बाद चॉप करके रखा था जिंजर गार्लिक, इसको डाल दिया। हर चाइनीज खाना में जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल करना अच्छा रखता है। और चाइनीज खाना बनाने के लिए सब पहले रेडी करना है और बनाना स्टार्ट करना है, क्यों बनाने में टाइम नहीं लगेगा, जो प्रिपेरेशन में टाइम लगेगा। इसमें चिकन डाला ऐसा, चिकन डाल के अच्छा से इसको भूजना है ऐसा। इसको फ्राई करके भी डाल सकता है लेकिन ऐसा डालेगा तो चिकन का पूरा टेस्ट आएगा। इसमें काट कर रखा था ओनियन और ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो, सब डाल के अच्छा से सौते करना है, सौते करना है थोड़ी देर। और थोड़ी देर पकाने के बाद ये पूरा सब्जी भी इसमें ऐड कर देंगे ऐसा, तो अच्छा से चलाना है इसको टाइम टाइम में। अब इसको कम से कम 50% पकाना है, 50% कुक करना है इसको। नमक थोड़ा डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया और थोड़ी देर फिर इसको पकाना है ऐसा।
और ऐसा पकाने के बाद अब इसमें डालने जा रहा है हॉट वाटर और चिकन स्टॉक। ये चिकन स्टॉक डाल दिया, थोड़ा हिसाब से डालना है आप कितना क्वांटिटी में बना रहा है। थोड़ा उबलने देंगे, इधर सॉस बनाएंगे। ये सोया सॉस एक चम्मच डाला और टमाटर केचप भी एक चम्मच डाला और ये सिचुएन सॉस है थोड़ा हाफ चम्मच डाला और इसमें वाइट विनेगर एक चम्मच डाल के इसको अच्छा से मिक्स किया। ये मेरा पास गाढ़ा है सोया सॉस, तो थोड़ा ऐसा कलर आता है और चाइनीज चप्सी के लिए ये कलर ही अच्छा भी होता है। चाइनीज चप्सी थोड़ा गाढ़ा कलर में रहता है तो अमेरिकन थोड़ा रेड में रहता है। तब उसमें डालने के बाद इधर कॉर्नफ्लोर, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर था तो तीन चम्मच इसका पानी डाला इसमें, तो अच्छा से इसको मिक्स किया। अच्छा से मिक्स करना है। अभी लेके सीधा इधर डाल देंगे ऐसा। ये हिसाब से डालना है, आपको कितना गाढ़ा पसंद आता है वही हिसाब से डालना है। मैं थोड़ा चाइनीज चप्सी में गाढ़ा डालता हूँ और चप्सी में थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, तो उसको ऐसा डाल के रेडी करेंगे। देखिए इतना गाढ़ा हो गया तो चप्सी में डालेंगे इसमें जो फ्राई किया था नूडल्स, उसको एक बॉल में ऐसा रखेंगे। बॉल नहीं है तो आपके पास क्या है, प्लेट में और कोई चीज़ में भी ऐसा रख के रेडी कर सकता है। तो इसके ऊपर ये सब्जी ऐसा डालना है, वेजिटेबल्स। ये मेरा आज का रेसिपी रेडी है। आई होप आप लोगों को ये चाइनीज चप्सी एकदम पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पसंद आया तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेगा। तब तक दूसरा वीडियो में मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।